नमस्कार दोस्तों, भारत में जब से नागरिकता संशोधन कानून पेश हुआ है तब से देश में कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर राजनीति कर रही हैं और जो मुसलमान समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो कोई बच्चा हो, उसको हमेशा ही कोई ना कोई बहला या फुसला देता है। मुसलमान समाज में आपने देखा होगा कि ये हमेशा से रहा है कि उसको हमेशा बहला या फुसला दिया जाता है, वो कभी भी कुछ नहीं करते हैं अपने आप से, वो हमेशा से बहलाए फुसलाए जाते हैं। देश में जब से नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ है तब से सड़कों पे जिस तरह से सरकारी संपत्ति, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है कि गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया है, और जो इसके विरोधी हैं वो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और सरकार भी पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि संवैधानिक मामला हो या नैतिक पक्ष हो, कहीं से भी सरकार कमज़ोर नहीं है। संवैधानिक रूप से भी ये कानून बिल्कुल सही है और नैतिक रूप से भी सही है, तो सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। और देश की जनता जो इसके पक्ष में है, बहुत बड़ी भारी संख्या में पक्ष में है, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि वो कर ले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, उनकी तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं भड़काने के, दंगे भड़काने के, गृह युद्ध कराने के, लेकिन जो पक्ष वाली जनता है, जो हिंदू जनता है, उसने अभी तक अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया है। यदि रिएक्शन दिया होता या वैसी स्थिति आती है तो गृह युद्ध हो जाता। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून है वो है क्या, इस पर इतना विरोध क्यों है। तो कानून बस इतना ही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यकों को धर्म को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, उनको सरकार इस नियम के तहत, इस कानून के तहत नागरिकता देगी। नागरिकता पहले भी दी जा रही थी, लेकिन पहले प्रक्रिया लंबी थी, 11-12 साल आपको रहना पड़ता था तब नागरिक बनते थे। अब क्या है कि 6 साल में ही आपको नागरिकता मिलेगी, त्वरित नागरिकता मिलेगी, ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शीघ्र नागरिकता मिले। बस इतना ही है। और उनको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रताड़ित हैं। पाकिस्तान का ही एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है डॉन, उसमें छपी रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पे हर महीने, हर साल 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्मांतरण होता है, और ये संयुक्त राष्ट्र की भी यही रिपोर्ट है। उसके बाद पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट है कि वहाँ पे हर महीने 25 से 30 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण होता है। वहाँ के जो अभिभावक हैं, जब अपने बच्चियों को जब स्कूल भेजते हैं, तो वो डरते रहते हैं कि कब उनका अपहरण हो जाए और ज़बरदस्ती धर्मांतरण हो जाए, क्योंकि ये वहाँ की सच्चाई है। वहाँ पे हिंदू, ईसाई, बौद्ध अपने त्यौहार नहीं मना सकते। वहाँ यदि आपको होली, दीपावली की छुट्टी चाहिए तो आप ले सकते हैं, सार्वजनिक छुट्टी नहीं है, जैसे यहाँ पे ईद और मुहर्रम की छुट्टी होती है, सार्वजनिक होती है, सड़कों पे सब लोग निकलते हैं, क्रिसमस की होती है, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आप होली, दीपावली की छुट्टी व्यक्तिगत स्तर पर ले सकते हैं, सार्वजनिक छुट्टी वहाँ पे नहीं है। उसके बाद एक और है कि वहाँ पे डाटा जनसंख्या की बात कर लें, केवल हिंदू जनसंख्या की यदि बात करें, तो स्वतंत्रता के समय 1947 में पाकिस्तान में जो जनसंख्या थी हिंदुओं की 15% थी, जो आज घट के 1% रह गई है। बांग्लादेश में 22% थी, जो घट के आज 8% रह गई है। परंतु आप भारत में देखिए, जो मुसलमान हैं उनकी संख्या 9% थी और अब बढ़ के 15% हो गई है। उसके बाद यह हो गई जनसंख्या की बात। फिर जो कोई भी धर्म कहीं भी किसी भी देश में उसकी क्या स्थिति है, कितना उसको महत्व है, किस क्या स्टेटस है उसका, इससे भी पता चलता है कि उच्च पदों पे उस धर्म के कितने लोग हैं और जो पुरस्कार वगैरह होते हैं उस पे उस धर्म के कितने लोग हैं। तो उच्च पदों पे हम बात करते हैं कि उच्च पदों पे हम बात करके आपको बताते हैं कि कितने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, किसी भी देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसे अभी भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस.ए. बोबडे, जिसको हम लोग कहेंगे कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ऐसे भारत में मुस्लिम समुदाय से कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, कितने मुस्लिम भारत में चीफ जस्टिस हुए हैं, तो यह संख्या है 4।
पाकिस्तान में ऐसे कितने हैं, कितने हिंदू हैं जो चीफ जस्टिस हुए हैं? संख्या है एक। बांग्लादेश में कितने हुए हैं हिंदू चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश? संख्या है शून्य। तो ये देखिए, उसके बाद एयरफोर्स चीफ, वायुसेना प्रमुख भारत में एक हो चुके हैं मुस्लिम समुदाय से। ये केवल मुस्लिम का और हिंदू का बता रहे हैं, अल्पसंख्यक भारत में कई सारे हुए हैं। सिख हमारे सेना के कई सारे चीफ हुए हैं, फिर राष्ट्रपति भी हुए हैं, ईसाई भी हुए हैं, चीफ जस्टिस हुए हैं। तो हम सिखों ईसाइयों की बात नहीं कर रहे हैं या बौद्धों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, ये लड़ाई वही है। ये लड़ाई जैसी दिखाई जा रही है कि संविधान की लड़ाई है, ये लड़ाई है गजवा ए हिंद की, वो बताएंगे आपको। तो ये देखिए, एयरफोर्स चीफ भारत में मुस्लिम समुदाय से एक हुआ है। भारत में वायुसेना प्रमुख एक मुसलमान हो चुका है। पाकिस्तान में शून्य, बांग्लादेश में शून्य। राष्ट्रपति भारत में मुस्लिम चार हुए हैं, पाकिस्तान में शून्य, बांग्लादेश में शून्य। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र भारत में एक को मिला है, पाकिस्तान में किसी हिंदू को नहीं मिला है, बांग्लादेश में किसी हिंदू को नहीं मिला है। उसके बाद भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत में 6 मुसलमानों को मिल चुका है, पाकिस्तान बांग्लादेश में शून्य। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत में 2 बन चुके हैं मुस्लिम समुदाय से, और बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदू समुदाय ईसाई समुदाय से कोई भी नहीं। आईबी प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख, खुफिया विभाग जिसको कहते हैं, मुस्लिम एक भारत में चीफ उसके प्रमुख हो चुके हैं, चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के, पाकिस्तान बांग्लादेश में शून्य हैं। उसके बाद क्रिकेट टीम के कप्तान भारत में पाँच क्रिकेट कैप्टन मुस्लिम हो चुके हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान में तो एक हिंदू प्लेयर, अभी तक केवल 2 हिंदू खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की ओर से उनके राष्ट्रीय टीम में हुए हैं। एक दानिश कनेरिया थे जिसके साथ वो लोग भोजन भी नहीं करते थे, और एक क्रिश्चियन थे, ईसाई जो थे, यूसुफ योहाना, उनको इतना प्रेशर दिया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, इस तरह का पूरा वहाँ पे संस्कृति है कि उनको और उनकी पत्नी को भी जबरन इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। वो यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ बन गए। तो ये है, वहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोग, मुसलमान को छोड़ के, क्योंकि वो राष्ट्र ही मुस्लिम देश हैं। वो लोग अपने संविधान में लिखते हैं कि हम इस्लामिक राज्य हैं, इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, और कोई भी उच्च पदों पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गैर मुस्लिम नहीं बन सकता है। वहाँ ये भी नियम है कि हिंदू से आप मुस्लिम बन सकते हैं, ईसाई से मुस्लिम बन सकते हैं, बौद्ध से मुस्लिम बन सकते हैं, लेकिन मुस्लिम से किसी अन्य धर्म में नहीं जा सकते हैं। कोई लड़की निकलती है, छोटी बच्ची 8 साल की 9 साल की पढ़ने, हिंदू समुदाय की, उसको रास्ते में ही अपहरण कर लेते हैं। बगल में कोई मदरसा होता है धर्मांतरण का, उनको सर्टिफिकेट वहाँ मिल जाता है कि इसने अपने मर्जी से धर्मांतरण कर लिया है, उसका निकाह करवा देते हैं। एक बार निकाह हो गया, धर्मांतरण हो गया, तो वापस आप अपने धर्म में नहीं आ सकते हैं। वहाँ ये नियम है, मुसलमान से दूसरे समुदाय में धर्मांतरण हो ही नहीं सकता है। तो ये कहानी है। तो इस तरह की प्रताड़ना वहाँ पर अन्य समुदायों की होती है। तो बात ये हो रही है कि उनको जब हम ले रहे हैं, अफगानिस्तान को क्यों ले रहे हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 देशों से ले रहे हैं ना। तो 3 देशों से हम लोग ले रहे हैं, तो तीन ही देशों से क्यों ले रहे हैं? पहला कारण ये है विभाजन। विभाजन जो है धर्म के आधार पे हुआ था। मुसलमानों ने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी कि वह हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, तो उनको अलग राष्ट्र दिया गया। और 90% से अधिक मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट किया था जब इसके लिए हुआ था, मतदान हुआ था, तो 90% से अधिक मुसलमानों ने पक्ष में वोट दिया था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। अब गए क्यों नहीं? काफ़ी सारे गए, 9% ही भारत में। तो गए इसलिए नहीं क्योंकि सबकी संपत्ति होती है, सबका अपना अपने भूमि से कुछ लगाव होता है। और जैसे कोई हैदराबाद का मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा सकता, या यूपी का मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर उसकी इतनी संपत्ति है, सब कुछ छोड़ के वहाँ पर वो एक ऐसा माहौल रहेगा कि मतलब वहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे आपको जाके अच्छा सुविधा मिलेगा ही। तो अपना सब घर परिवार छोड़ के ठंडियों के महीने में उतनी दूर बैलगाड़ी पे या ट्रेन में जाना एक सुविधाजनक नहीं होता है। तो इसलिए बहुत से लोग नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं आपको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रह पाएंगे कि क्या होगा।
है ना, अब यहाँ पे आपका घर है बड़ा बड़ा, तो इसीलिए कई सारे जो हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय के जो पाकिस्तान में रह गए वो भी इसीलिए वापस नहीं आए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े उनके फ्लैट थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, अपना घर था, परिवार था, अपना जो जहाँ पे पैदा होते हैं, जहाँ पे पले बड़े रहते हैं, कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता। और ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि मुसलमानों ने अलग राष्ट्र की मांग की थी, किसी अन्य धर्म ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं की थी, या हिंदुओं ने नहीं की थी, या सिखों ने नहीं की थी, मुसलमानों ने की थी। तो इसलिए जो वहाँ रह गए उन्होंने सोचा कि अपना ही, हम यहीं पर रहे हैं तो हमको क्या समस्या है। और जब विभाजन हुआ तो मेन विभाजन हुआ था पंजाब का और बंगाल का। तो पंजाब में, पंजाब के अधिकतर लोग इधर आ गए थे, जो हिंदू सिख थे वो पंजाब से इधर आ गए थे, और इधर के जो पंजाब के मुसलमान थे वो चले गए थे उधर, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत भयंकर दंगा हुआ था, और बंगाल में भी भयंकर दंगा हुआ था और लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन जो यूपी है, बंगाल है, बिहार है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, यहाँ के लोग जस के तस वैसे के वैसे ही रह गए। तो इसीलिए हम उनको ले रहे हैं, क्योंकि हमारे नेताओं ने वादा किया था कि जो, जिन्होंने विभाजन नहीं मांगा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक रेखा खिंच जाने से वो लोग पराए नहीं हो गए, वो लोग जब आना चाहे आ सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि वो जब भी आना चाहे आ सकते हैं, और सरकार का ये कर्तव्य है कि उनको रोजगार मुहैया कराए, उनकी देख रेख करे। राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि हिंदू पूरे इधर आ जाए और मुसलमान पूरे उधर आ जाएं, क्योंकि बाद में फिर ये समस्या होगी। तो अंबेडकर जी की बात सत्य साबित हो रही है आज। और अफगानिस्तान को हम इसलिए ले रहे हैं इसमें, अफगानिस्तान से भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सरकार चलती है, जो तालिबान उन्होंने क्रिएट किया था वो अभी भी बहुत बड़े हिस्से में अफगानिस्तान को नियंत्रित करती है। तो इसीलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो विभाजन के लोग हैं, और अफगानिस्तान। और कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि श्रीलंका में जो हिंदू हैं वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू नहीं तमिल जो हैं प्रताड़ित हो रहे हैं, या म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, या भूटान में भी कोई प्रताड़ित हो रहा है, चीन में भी तिब्बती है, तो उनको आप क्यों नहीं इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये उनको न्याय दिया जा रहा है जिनको विभाजन के, जो विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था उसके लिए है। इनसे हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने वादा किया था, हमने श्रीलंका के लोगों से वादा नहीं किया था, या म्यांमार के लोगों से वादा नहीं किया था, और ना ही श्रीलंका का या म्यांमार का, जो कि भारत का कभी अंग थे, धर्म के आधार पर विभाजन भी नहीं हुआ था। और भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि सबको ले ले, फिर भी यदि उसको लगता है कि किसी को लेना चाहिए तो लेते हैं। जैसे श्रीलंकन जो तमिल से श्रीलंकन आए थे, श्रीलंका से तमिल आए थे, हिंदू मुस्लिम उसमें सब भी थे, 8-9 लाख लोगों को उसमें नागरिकता दी गई थी, अभी 8-10 साल पहले की ही बात है। उसी तरह म्यांमार से जो रोहिंग्या आ रहे हैं उनको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और मुसलमान आबादी वो खतरा पैदा करते ही हैं, वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर गड़बड़ी करते हैं। जैसे म्यांमार में ये लोग थे तो वहाँ के सेना के लोगों को ही इन्होंने मारना शुरू कर दिया, तो कोई भी देश, किसी में भी यदि आत्म स्वाभिमान होगा तो वो उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये यहाँ भी करते हैं, कश्मीर में ही आप देखिए, कश्मीर में सेना के जवान जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो उन पर पत्थर बरसाते हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। यदि आत्म स्वाभिमान होता भारत की सेना में, भारत के राजनीतिक नेतृत्व में, तो इनको छोड़ते नहीं। आज जो है आत्म स्वाभिमान जगह है तो वहाँ पे 370 हटाई गई है, और वहाँ पे अब कोई भी ऐसी घटना नहीं हो रही है, और भारत की सेना पूरे नियंत्रण में है। तो म्यांमार में इन्होंने इस तरह किया तो इसलिए भगाया गया, वो अपने कर्म ही ऐसे करते हैं। बंगाल, बांग्लादेश से भी ये भगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो कह रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, उनकी नसबंदी की जा रही है। और भारत में ही मुसलमानों के हमने बहुत प्यार दिया, यहाँ पे अच्छे से रखा, लेकिन ये बदले में क्या देते हैं। कश्मीर में आप देखिए किस तरह के हालात इन्होंने कर दिए। उसके बाद भारत में ही किसी मुसलमान की नागरिकता तो इससे नहीं जा रही है, जो नागरिकता संशोधन कानून है, किसी मुसलमान, भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है, परंतु फिर भी ये सड़कों पर उतर के हमारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनके नारे क्या लग रहे हैं कि हिंदुओं से आज़ादी चाहिए, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इला इल्लल्लाह, इस तरह के नारे चल रहे हैं। ये गजवा ये हिंद का आवाहन कर रहे हैं। तो ये यदि आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को क्या तकलीफ़ है, क्या समस्या है, तो समस्या यही है कि
क्योंकि इससे तो नागरिकता दी जा रही है, ली नहीं जा रही है। फिर उसके बाद जो NRC होगी, तो NRC कोई भी देश NRC करता है, घुसपैठियों को कोई भी देश अपने यहाँ नहीं रखता है। भारत में वैसे भी जनसंख्या अधिक है और NRC भाजपा नहीं करा रही है, वो 1985 से ही राजीव गांधी के समय से ही चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चल रहा है। और NRC में यदि कोई भारतीय नागरिक को कोई समस्या भी आती है, कोई जो जेन्युइन नागरिक है वो निकल जाता है, तो उसके लिए प्रक्रिया है और कोर्ट में जा सकते हैं आप, उसके लिए सरकार आपको वकील मुहैया कराती, सारे चीज़ें हैं। फिर लोग उदाहरण दे रहे हैं कि असम में 19 लाख लोग निकल गए, तो उसमें कैसे निकल गए, तो अनुमान तो था कि करोड़ों लोग होंगे, लेकिन 19 लाख लोग ही निकले ना, करोड़ों लोग थे लेकिन 19 लाख लोग ही निकले। और सबके लिए अभी दरवाजे खुले हुए हैं, मतलब कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो लोगों ने अपने कई तरह से डॉक्यूमेंट बनवा लिए, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सेना के अधिकारी थे, उनको भी निकाल दिया गया, उनको भी अवैध घोषित किया गया। तो भारत में किस तरह से नौकरियां मिलती थी, यदि आपकी प्रधान से आप लिखवा लेते हैं तो आपका वो निवास प्रमाण पत्र आप तहसील में जाके दिखा देंगे, तो वो आपको एक निवास प्रमाण पत्र देगा। राशन कार्ड भी किस तरह बनते रहे हैं, तो उसी तरह उनकी नौकरी लग गई होगी। यदि उनकी विधायक से कहीं से परिचय है, किसी से भी परिचय है, आप लोग कई लोगों को ऐसा जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। दिल्ली में अभी मैं कुछ दिन पहले मोतीनगर गया था, तो एक पार्क में घूम रहा था, कुछ महिलाएँ बात कर रही थी, अमीर घर की महिलाएं थी, कि वो किस तरह से BPL कार्ड का लाभ लेती हैं, वो BPL कार्ड धारक थी, जबकि उनके घर के सामने स्कोडा, स्कॉर्पियो और इनोवा ऐसी ऐसी गाड़ियां खड़ी थी। तो भारत में कोई भी BPL कार्ड बनवा ले रहा है, आधार कार्ड बनवा ले रहा है, तो इस तरह से व्यवस्था भारत की चली है, तो उस तरह भी चली रही होगी। तो उनकी नौकरी लग गई, फिर कार्ड सारे डॉक्यूमेंट बनना ये बहुत ही सरल काम था, तो ऐसे बन गया होगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब राष्ट्रीय स्तर पे NRC होगी तो पूरी अच्छे से जांच पड़ताल होगी, सरकार गवाह लाने की भी अनुमति देगी, किसी भारतीय नागरिक को निकाला नहीं जा रहा। फिर मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके नेता इनको भड़का रहे हैं, और नेता क्यों भड़का रहे हैं, क्योंकि इनका जो गजवा हिंद का सपना है वो चूर चूर हो जा रहा है। गजवा हिंद क्या है, गजवा हिंद ये है कि जैसे जब अरब से इस्लाम धर्म पैदा हुआ, तो इन्होंने अरब, ईरान, इराक और उधर इजिप्ट, लीबिया, जो आज अफ्रीका महाद्वीप है उसमें पूरा उत्तरी अफ्रीका मुसलमानों के देश हैं, और नीचे ईसाई देश हैं, लेकिन धीरे धीरे मुसलमान वहाँ भी अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। फिर ये लोग भारत में आए, भारत में कभी भी पूरे भारत पे ये लोग अपना कब्जा नहीं कर पाए, फिर भी 600-700 साल राज किया। फिर भारत से आगे गए, मलेशिया, इंडोनेशिया में मुस्लिम राज्य है, तो भारत इनको आँखों में एक कांटे की तरह खटक रहा है। ये भारत में भी चाहते हैं सरिया लग जाए, भारत में भी एक इस्लामिक राज्य हो, तो उसे वो कहते हैं गजवा हिंद। भारत में भी जब इस्लामिक शासन स्थापित हो जाएगा तो वो गजवा हिंद होगा, तो ये गजवा हिंद चाहते हैं। सबसे गजवा हिंद का आपको उदाहरण देखना है तो आप कश्मीर देख सकते हैं, कि भारत में जब केंद्रीय गृह मंत्री एक मुसलमान बना, मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो 6 महीने के अंदर उसकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, और उसको छोड़ने के बदले 5 दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा जाता है, फिर उसकी बेटी को छोड़ते हैं। और उसी के समय कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, वहाँ के समाचार पत्रों में छपता है कि कश्मीरी हिंदुओं भारत छोड़ो, कश्मीर छोड़ो, समाचार पत्रों में छपता है, आतंकवादियों के संदेश छपते हैं, और हजारों लोगों को सरेआम मार दिया जाता है। एक जज थे टीकालाल टपलू, उन्होंने मकबूल भट्ट को, एक आतंकवादी था, फांसी की सजा थी, उनको सरेआम मारा गया। ऐसे कई सारे नेताओं को मारा गया, और हजारों लोगों को मारा गया, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, वो कश्मीर छोड़ के भाग गए, देश के अन्य अन्य हिस्सों में रह रहे हैं। और कई दिन ऐसे भी गए कि मस्जिदों के, पूरे कश्मीर की जो है बिजली काट दी गई, और केवल मस्जिदों में ही बिजली थी, और वहाँ से लगातार ये नारे निकलते रहे कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, अपनी औरतों को यहीं छोड़ दो, तुम कश्मीर छोड़ दो, इस तरह के नारे लगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ पे जिनकी इनकी जनसंख्या थोड़ी सी अधिक होती है तो किस तरह का ये माहौल बनाते हैं, पूरा ऐसे भारत में चाहते हैं। और जिनको हम लोग कहते हैं कि अच्छे मुसलमान हैं, तो ये मूक समर्थक, ये समर्थन देते रहते हैं, ये कभी नहीं बोलते हैं। अभी भी इनकी नागरिकता तो जा नहीं रही है, लेकिन बजरडीहा में या मदनपुरा में क्यों ये विरोध कर रहे हैं, समर्थन ही दे रहे हैं ना, इनकी नागरिकता कहाँ जा रही है। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो इनके पास, इनके बाप का डॉक्यूमेंट तो होगा ही, राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, फिर आपके जो इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव उसमें नाम होता है, फिर नहीं कुछ तो गवाह का है,
तो यहाँ मतलब ऐसे तो कोई समस्या नहीं कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, तो केवल अफवाह चल रहा है और अफवाह में ये जानबूझ के घी दे रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि धीरे धीरे जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर में ये धीरे धीरे इस्लामिक राज स्थापित कर दिए थे। लक्षद्वीप एक ऐसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे 100% मुस्लिम है, कोई भी ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है भारत में जहाँ पे 100% हिंदू या ईसाई हो या सिख हो, लेकिन लक्षद्वीप इन्होंने बना दिया, कश्मीर घाटी को इन्होंने लगभग इस्लाम कर दिया था। बंगाल में कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे ये 50% से अधिक हैं, आसाम में ऐसा है, हैदराबाद में आप देख ही रहे हैं केरल में क्या स्थिति है। बंगाल में जब भी कोई दुर्गा पूजा निकालना होता है या कोई और त्यौहार होते हैं तो सरकार अनुमति नहीं देती है, ये लोग वहाँ से निकालने नहीं देते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाके वहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है। बंगाल में, आसाम में भी स्थिति, बिहार में जब लोग निकालते हैं तो पत्थरबाजी होती है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जब निकालते हैं तब पत्थरबाजी होती है। आपने कभी देखा है कि ईद या मुहर्रम पे हिंदुओं ने या किसी अन्य धर्मों ने मुसलमानों पे पत्थरबाजी की हो? यही करते हैं ना हमेशा। तो ये जो पूरा प्लान है इनका फेल हुआ है, गजवाए हिंद का, और ये लड़ाई जो है संविधान की नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि भारत सरकार मुसलमानों को निकाल रही है, ये इनका जो गजवाए हिंद ये चाहते थे उसको सरकार ने फेल कर दिया है। क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से रोहिंग्या जो आए हैं ये हज़ारों की संख्या में आए हैं, लगभग संख्या बताई जाती है कि 40 लाख इनकी संख्या है, और वहाँ पे पिछले एक साल में 60,000 बच्चे हुए हैं, तो सोचिए किस गति से ये लोग बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे इनका पूरा प्लान ही है, भारत में ही 9% से मुसलमान 15% हो गए, हज सब्सिडी इनको दी जाती थी, हर महीने एक व्यक्ति पे 1.25 लाख का खर्च आता था, हर लाख 1.5-2 लाख लोग जाते थे, तो हज़ारों करोड़ इन पे खर्च होते थे। और भारत में तो मुसलमानों से बहुत अच्छा व्यवहार होता है, फिर भी ये किस तरह का व्यवहार भारत में करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बरसात कहीं और होती है छाता यहाँ खोलते हैं, तुर्की में मुसलमानों पे कुछ होता है, ये हमेशा हर जगह वही करते हैं। देखिए जैसा कि न्यूजीलैंड में एक मस्जिद पर हमला हुआ था, तो इन्होंने श्रीलंका में एक चर्च पर हमला कर दिया क्योंकि ईसाइयों ने हमला किया था। अब बताइए वहाँ हमला हुआ तो आप अपने देश में हमला कर देंगे, रहने वाले आप तो मुसलमान श्रीलंका के, तो आप अपने देश में हमला करेंगे। म्यांमार में रोहिंग्याओं को भगाया जाता है तो यहाँ मुंबई में ये तोड़फोड़ करते हैं, अमर शहीद जो जवान ज्योति है उसकी आग बुझाते हैं, उसमें तोड़फोड़ करते हैं। तो अन्य देश तो इनको उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं, म्यांमार में रोहिंग्याओं को उसी भाषा में जवाब दिया, निकाल दिया गया, श्रीलंका में निकाल दिया गया, लेकिन ये चाह रहे हैं कि भारत में भी यही हो। यदि ये इस तरह करते रहें जिस तरह से कर रहे हैं, हिंदुओं से आज़ादी चाहिए इनको, हिंदुत्व की कब्र खोदेंगे ना, तो यदि इसी तरह करते रहें तो ये ना भूलें कि अब ये महात्मा गांधी का देश नहीं रहा है, कि मुसलमान जब मारेंगे तब ठीक, हिंदू जब अपनी बारी पे आएंगे तो अनशन पे बैठ जाएंगे, नहीं अब ऐसा नहीं है, सब समझ गए हैं, आज इंटरनेट का ज़माना है, सब समझ में आ रहा है कि क्या ये लोग करना चाह रहे हैं। तो यदि ये गृह युद्ध चाहेंगे ना, तो जो इनका हाल म्यांमार में हुआ है वही इनका भारत में भी होगा। तो अच्छा यही होगा कि जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं वो अपने ही नागरिकों के लिए बनाए हैं, और जो लोग कहते हैं कि भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसा नहीं हो सकता है, तो है भी नहीं भारत, और उस तरह कर भी नहीं रहा है, और देश के किसी भी नागरिक को इससे कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जो गजवाए हिंद यदि आप चाहेंगे तो जवाब बराबर मिलेगा, वो सफल नहीं होगा, अंगद ने पैर जमा दिया है, आप उसे उठा नहीं पाएंगे, आप देखते रहिए।